हेलो दोस्तों, आज आप लोग को सिखाएंगे कि एमएस वर्ड में स्टिकर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेलिंग टैब पे क्लिक करना है। मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लेवल का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, जैसे कि हम नाम डाल रहे हैं। उसके बाद स्कूल नेम डालते हैं। आपका स्कूल नेम डाल दिया, उसके बाद रोल नंबर डालना है। उसके बाद क्लास डालते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट डालते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ही आपका यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक स्टिकर आपका बन के तैयार हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कलर करना है। तो आपको पेज लेआउट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे पेज कलर दिया हुआ है, पेज कलर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कलर है। आपको फिल इफेक्ट में आना है और यहाँ पे जाके यहाँ से जैसा कलर आपको लेना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई टाइल्स वगैरह का कलर लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके कीजिएगा, देखिए आपका कलर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर जी है कि इसमें कुछ बॉर्डर वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, बॉर्डर पे क्लिक करके, है ना। जैसा आपको बॉर्डर लगाना है यहाँ से नीचे करते जाइएगा और यहाँ से एक बॉर्डर लगा दीजिएगा। बॉर्डर का कलर आपको जैसा लेना है यहाँ से कलर आप ले सकते हैं। तो देखिए आपका एक बॉर्डर आ गया। फिर आपको क्या करना है, रूलर से ये एडजस्टिंग कर देना है जहाँ पर हमको चाहिए। देखिए एडजस्ट हो चुका है, इधर भी आप क्या कीजिएगा, इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, ये पूरा पेज में आपका आ जाएगा। अब इसको प्रिंट मारिएगा तो क्या होगा, ये देख लीजिए, इस तरह से आपका प्रिंट शो करेगा। प्रीव्यू इसमें दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए आपका प्रीव्यू देखने के लिए कहीं पे दिया होगा प्रॉपर्टीज में, नहीं दिया हुआ है, विंडोज 7 है इसीलिए।